हरियाणा स्टेट नारकोटिक यूनिट अम्बाला की पुलिस टीम ने अफीम सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शाहबाद के लैंडमार्क चौक से मोटरसाइकिल सहित पकड़े गए। तलाशी दौरान अफीम बरामद की गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खुलासा कर दें कि नशीले पदार्थ के धंधे में शामिल तथाकथित माफिया सरगनाओं द्वारा अब भी अनेकों अनगिनत स्थानों पर धंधा जारी रखा हुआ है। पुलिस प्रशासन काफी सख्त हो चुका है। अब तक अनेक लोगों को पकड़ा भी जा गया है जिनसे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। इसके बावजूद भी मोटी कमाई के चक्कर में कई लोग इस धंधे में लगे हुए हैं। ऐसे असामाजिक लोगों की धरपकड़ के लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक अम्बाला यूनिट के पुलिस अधीक्षक ताहिर हुसैन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। कुरुक्षेत्र स्थित यूनिट के डीएसपी राजेश कंदोला ने अधीनस्थ कर्मियों के साथ अहम मीटिंग ली। प्रभारी इंस्पेक्टर केवल सिंह ने ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, एएसए राजेश, हेड कांस्टेबल सतीश, राजेश, नरेश, पवन, चालक सुरेंद्र की टीम नियुक्त कर विभिन्न संदिग्ध स्थानों की ओर इन्हें रवाना किया था। ये टीम दिन ढलते ही नशीले पदार्थ को बेचने वाले लोगों को पकड़ने के लिए कूच कर गई। अनेकों मार्गों से होते हुए शाहबाद में पहुंची। इस बीच जानकारी मिली कि दो लोग मोटरसाइकिल पर सवार है, इनके पास नशीला पदार्थ है जिसे बेचने के लिए घूम रहे हैं। दोनों लाडवा रोड पर पकड़ में आ सकते हैं। मामले से शाहबाद के डीएसपी आत्माराम को अवगत करवाया गया। इनके आते ही टीम ने लैंडमार्क चौक की घेराबंदी कर डाली। आने जाने वाले दुपहिया वाहन चालकों पर निगाहें तेज कर दी। इंतजार करते करते आखिर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित आते पाए गए। शक होते ही पुलिस ने इन्हें काबू कर लिया। उपाधीक्षक के समक्ष पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम संजय पुत्र अमरनाथ निवासी शाहबाद, पीछे बैठे व्यक्ति ने आशिक पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बरेली के नजदीकी गांव का नाम बताया। उपाधीक्षक के सामने तलाशी ली गई। चालक संजय से 60 ग्राम अफीम, आशिक से 90 ग्राम अफीम बरामद की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ शाहबाद थाना में नशीली वस्तु अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। आज दोपहर बाद शाहबाद की अदालत में इन्हें पेश किया गया। अदालत ने इनमें से आरोपी संजय को अगले आदेश तक जेल भेज दिया, जबकि पुलिस के अनुरोध पर न्यायाधीश ने आरोपी आशिक को 4 दिन तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस टीम इस मामले में तीसरे आरोपी तस्कर को भी पकड़ने के लिए कड़ी सुरक्षा में अगले पड़ाव की तरफ कूच कर गई है। यहाँ खुलासा कर दे, पहले भी अनेकों पद पर रहते हुए डीएसपी राजेश कंदोला, इंस्पेक्टर केवल सिंह आदि अनेकों बहुचर्चित मामलों को सुलझाने के साथ साथ आरोपियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी ले चुके हैं, जिनमें डांड रोड पर रात्रि के समय भेड़ पालकों की निर्मम हत्या हुई थी। सैकड़ों भेड़े भी ट्रेन की चपेट में आ गई थी। इस मामले में अलग अलग जगहों पर एक साथ योजना पर छापा मारा था, जिसमें एक दर्जन आरोपी पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की थी। खबर हमारे हरियाणा के लिए क्राइम रिपोर्टर राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।